हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वीडियो नंबर सेकंड। सो इस वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना है, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं एंड थोड़ा थोड़ा उनके बारे में हमने जान लिया था। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से एसिड के बारे में जानेंगे एंड ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, जितने भी इंडिकेटर हैं उन सबके बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके से टेस्ट देते हैं, जैसे कि एसिड में अगर उन एसिड का किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, बेसिस की किस तरीके से, सॉल्ट की किस तरीके से। सो मेनली एसिड बेसिस की हमें इंडिकेटर टेस्ट भी देखने हैं एंड साथ ही साथ हम एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम शुरुआत करते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे इंडिकेट करते हैं कि एसिड है, ये बेस है एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सेपरेट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम पढ़ेंगे एसिड्स की एंड बेसिस की। तो आप सभी को पता है अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट कैसा होता है, तो एसिड्स कैसे होते हैं एंड बेस कैसे होते हैं, आप सभी को पता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कि जो एसिड्स होते हैं वो सॉल्ट टेस्ट होता है उनका, ठीक है, एंड ये कैसे होते हैं, बिटर। बहुत ही कॉमन थिंग है, जैसे आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड होता है लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर एंड इसी तरीके से जो लैक्टिक एसिड है वो होता है किसमें, कर्ड में होता है, तो वो कैसा होता है, खट्टा होता है, सॉल्ट टेस्ट होता है। एंड जो आप देखते हैं सोप, तो सोप का टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, बेसिक नेचर की होती है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं। अब हम कुछ इंडिकेटर्स के बेसिस पे देख लेते हैं कि एसिड एंड बेस की किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिकेटर्स भी टू टाइप के होते हैं, नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर में आता है टर्मरिक एंड लिटमस, ठीक है, ये होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। एंड इसी तरीके से जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में आता है फिनोफ्थलिन मिथाइल ऑरेंज पीएच स्केल, ठीक है, या फिर पीएच इंडिकेटर हम बोल सकते हैं एंड एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स हैं। अब हमने टेस्ट के बेस पे देख लिया कि जो एसिड है वो सॉल्ट टेस्ट होता है एंड बेसिस कैसे होते हैं, बिटर टेस्ट। अगर हम टर्मरिक का टेस्ट करके देखते हैं तो टर्मरिक में एसिड के अगर हम टर्मरिक के ऊपर कोई एसिड डालते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर हम बेस डाल देते हैं, बेस तो जैसे कि आपकी कोई शर्ट है वाइट कलर की शर्ट, तो उसके ऊपर अगर खाने का, मान लीजिए कोई किसी सब्जी का टर्मरिक का स्टेन लग जाता है, तो जब उसको वॉश करते हैं, साबुन से वॉश करते हैं, तो क्या होता है, उसका कलर रेडिश हो जाता है। तो वो क्यों होता है, उसका कलर चेंज हुआ, तो अगर हम उसको वापस से अच्छे से बहुत सारा पानी लेके अगर उनको वॉश करते हैं तो वापस से वो वैसा ही, वो जो स्टेन है वो हो जाता है। तो रेड क्यों हुआ, क्योंकि हमने सोप उसके ऊपर रब किया, जब सोप रब किया तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बेस है, ठीक है। तो जो सोप टर्मरिक का टेस्ट देखते हैं तो इसमें कोई टेस्ट नहीं देता एसिड के केस में, बट जो बेस है, बेस के केस में क्या देता है, ये रेड हो जाता है, ठीक है, रेडिश कलर का हो जाता है अगर हम इसका टेस्ट देखते हैं टर्मरिक का, सॉरी। लिटमस की बात करें तो लिटमस भी टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है रेड एंड एक ब्लू। तो आप याद रखिए रेड कलर है, अगर हम रेड कलर का टेस्ट करके देखते हैं एसिड एंड बेस के साथ, तो जो एसिड होगा तो एसिड के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा लिटमस में, बट जो बेस है वो क्या करेगा, ब्लू उसको कन्वर्ट कर देगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, कौन कर रहा है, ये बेस, ठीक है, एंड ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस टर्न्स
रेड। ओके, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो कौन से हैं, ये कौन से थे? नेचुरल। अब सिंथेटिक में होता है फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन एक हम बोल सकते हैं कि ऐसा इंडिकेटर है जो कि कलरलेस होता है। नेचुरली वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। जब हम एसिड के उसके अंदर कोई भी एसिड डालते हैं, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर हम डालते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। बट जो फिनोफ्थलीन है, अगर हम उसमें बेस डालते हैं, जैसे कि हमने बेस NaOH लिया, ये हमने इसके अंदर डाल दिया, तो क्या होगा? ये कैसा हो जाएगा? पिंक, पिंक कलर का वो सॉल्यूशन, ठीक है, कि जो फिनोफ्थलीन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा, जब हम उसमें कोई भी बेस ऐड करते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज होता है, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो मिथाइल ऑरेंज अगर हम टेस्ट करते हैं एसिड के साथ, कोई एसिड अगर उसके अंदर मिक्स करके हम देखते हैं, तो वो हो जाएगा रेड। एंड अगर बेस में हम टेस्ट करते हैं तो कोई भी अगर बेस उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या होगा? उसका कलर हो जाएगा येल्लो, ठीक है। अब पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल में, पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, पीएच स्केल में क्या होता है कि इस तरीके से कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, 0, 7 एंड 14, ठीक है, 0 to 14 ये ऐसे नंबर होते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर हम मेजर करके देखते हैं, पीएच स्केल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम मेजर करके देखते हैं, तो क्या हुआ? अगर इसकी पीएच रेंज 0 to 7 to 0 के साइड में है, इस साइड में है, तो वो क्या हुआ? एसिडिक। अगर 7 to 14 की साइड में वो रेंज है उसकी पीएच इंडिकेटर से, जब हम टेस्ट करके देखते हैं, तो अगर पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 से 14 तक आ रही है, उसका मतलब है कि वो बेसिक इन नेचर है। अब यहाँ पे जो जिसकी जैसे पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करी है, 0 to 14, ठीक है। अब पीएच का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए पीएच, पी का मतलब होता है पोटेंच, पोटेंच एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पोटेंशियल, हम बोल सकते हैं एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल इसकी, कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, एक तरीके से स्ट्रेंथ इसके लिए आती है पोटेंच। एंड H क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन एक्वस आयन्स, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स, तो ये होता है pH का मतलब। अब जो pH इंडिकेटर है हमने बताया 0 to 14 इस तरीके से वैरी करता है, तो जैसे जैसे pH की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, एंड जैसे जैसे pH की वैल्यू कम होती है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। बट अगर pH की वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की pH की वैल्यू 7 है, इसका मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है? न्यूट्रल, ना तो एसिड है ना ही वो बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड 0 पे, ठीक है, इस रेंज में क्या मिलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड जो 14 है यहाँ पे मिलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, समझो, हम इनको भी डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं। तो अब देखिए जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, लास्ट इंडिकेटर बचा है। तो यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है उसमें कुछ कैसे बनाया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके ये इंडिकेटर बनाया जाता है, इसलिए हम इसको बोले यूनिवर्सल इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। तो ये जो मिक्सचर होता है इसको सोक किया जाता है किसी स्ट्रिप के ऊपर, ठीक है, ये फैब्रिक की हो सकती है या फिर हम बोल सकते हैं किसी पेपर की हो सकती है, राइट। तो ये इस तरीके की स्ट्रिप है, इसके अंदर क्या सोक कराया जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब जैसे ही हम इस स्ट्रिप को, इसमें कुछ कलर्स होते हैं, एंड ये जो कलर्स होते हैं 7 colors VIBGYOR, ठीक है, तो ये जो कलर्स होते हैं ये रिलेटेड होते हैं पीएच से, कि अगर हम इस स्ट्रिप को किसी भी एसिडिक मीडियम में, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर हम इसको डिप करते हैं, तो जो कलर अपीयर होगा इसके अंदर, ठीक है, जो कलर अपीयर होगा इसका मतलब है कि ये क्या है?
एसिड है या फिर ये बेस है। तो इसके रेंज जैसे हम बात करते हैं, अगर ग्रीन कलर अपीयर होता है, ठीक है, ग्रीन कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। एंड अगर इधर ब्लू ग्रीन, ठीक है, सॉरी ब्लू इंडिगो वॉयलेट, अगर इनमें से कोई भी कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। और अगर इधर येलो ऑरेंज या फिर रेड कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक, ये क्या हो गया, बेसिक, ठीक है। इस तरीके से इसमें कलर्स होते हैं, इस पिक्चर को देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके के कलर्स इसमें पाए जाते हैं एंड ये इंडिकेट करते हैं कि ये क्या है, एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल कोई सब्सटेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ओके। अब जो रेड कलर होता है, अगर हम रफली बात करें तो उसकी पीएच वैल्यू अगर हम देखें तो वो होगी 2 to 4, ठीक है। इसी तरीके जो ऑरेंज कलर होता है वो उसकी हो जाएगी 4 to 6, ओके। एंड 7 की आपको पता ही है, ग्रीन जो है उसकी 7 होती है एंड उसके बाद 8 to 11 होती है ब्लू की, एंड जो वॉयलेट कलर है उसकी हो गई 11 to 14, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, अगर किसी का वॉयलेट कलर आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर किसी का रेड कलर आता है इसको डिप करने के बाद किसी सॉल्यूशन में तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। तो ये हो गए इंडिकेटर्स। अब हम बात कर लेते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, तो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसमें सबसे पहले हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों को अगर हम साथ साथ पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसलिए मैं पहले एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूँगी, उसके बाद मैं बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूँगी, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम करें। सो हम एक और इंडिकेटर की बात करते हैं जो कि है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का क्या मतलब है, ऑल फैक्ट्री का मतलब है जो कि सूंघने से रिलेटेड है, ठीक है, जो हमारी नोज से रिलेटेड है। तो देखिए, जो स्मेल से रिलेटेड है, ऑडर से रिलेटेड है, राइट। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर द सम सब्सटेंसेस विच गिव स्पेसिफिक ऑर्डर इन एसिड्स एंड स्पेसिफिक ऑर्डर इन बेस। मतलब जो एसिड और बेस में एक डिफरेंट तरीके की स्मेल देते हैं वो होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो इस तरीके से जैसे कि क्लोव होती है तो वो भी एसिड एंड बेस में दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्मेल देती है, ठीक है। एंड इसी तरीके से क्लोव आप सबने देखी है, उसमें स्मेल आती है, तो एसिड में कुछ अलग होगा, बेस में कुछ अलग स्मेल होगी। इसी तरीके से जो अनियन होती है, ठीक है, जो आपके घरों में मिलती है अनियन, तो वो भी क्या है, एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। इसी तरीके से वनीला, वनीला क्या होता है, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें एक एसेंस होता है, एक फ्लेवर होता है वनीला का जो आपको पसंद होता है, तो वो भी एसिड एंड बेस में डिफरेंट डिफरेंट स्मेल देता है। तो ये होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ये जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, आपके जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो आप अच्छे से कर लीजिए। सो सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर दीज केमिकल सब्सटेंसेस विच फर्निश एच प्लस आयन, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो वो होते हैं एसिड्स, क्या होते हैं, विच फर्निश एच प्लस, या फिर एक्वस हम इसके साथ लिखेंगे, या फिर हम लिखेंगे हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं एसिड्स। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है HCl, ठीक है, इसको हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको वाटर के अंदर अगर हम डिसोल्व करते हैं तो क्या होगा, ये हाइड्रोनियम हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन फर्निश करता है, ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन ये फर्निश करता है। बट ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन कैसा है, अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये अगेन जो H2O का मॉलिक्यूल है उसके साथ कंबाइन करके फॉर्म करेगा हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, प्लस H2O इसने फॉर्म कर लिया H3O+, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, राइट। तो ये हो गया हाइड्रोनियम
आयन, तो इसको हम बोलते हैं एसिड। इसी तरीके से जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को फर्निश करते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो भी टू टाइप के होते हैं। एसिड्स तो होता है मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स, एंड दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। अब जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीज एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ, जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं वो होते हैं मिनरल एसिड्स। डायरेक्टली जो अर्थ से हम जिन एसिड्स को लेते हैं वो होते हैं मिनरल एसिड्स, एंड ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं विच आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, ये होते हैं ऑर्गेनिक एंड ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ, वो होते हैं मिनरल एसिड्स। अब ये जो मिनरल एसिड है, अगर हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी तरीके से H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इसी तरीके से H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, तो ये होते हैं सारे के सारे मिनरल एसिड्स। एंड ये जो एसिड्स होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, एंड जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। तो जो अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जैसे कि एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, जैसे कि विनेगर आप देखते हैं उनमें होता है एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आप इनको जान लीजिए कि कौन कौन से एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। आपको यहाँ पे मिनरल एसिड के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, एंड और भी होते हैं जैसे कि मेथेनोइक एसिड, एसिड जो कि किसमें मिलता है, हनी बी स्टिंग, जो हनी बी का स्टिंग होता है वो रिलीज करता है, हम बोल सकते हैं कौन सा एसिड, मेथेनोइक एसिड, राइट। एंड इसी तरीके से जो टैमरिंड होती है, टैमरिंड आपने देखा है उसमें होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है, कौन सा, टार्टरिक एसिड किसमें होता है, टैमरिंड के अंदर, एंड सिट्रिक एसिड होता है लेमन के अंदर एंड ऑरेंज के अंदर, एंड और बहुत सारे, लैक्टिक एसिड होता है जैसे कि कर्ड के अंदर होता है। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं इन कंपैरिजन टू मिनरल एसिड्स। समझते हैं कि इनको हमने स्ट्रॉन्ग क्यों बोला, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं बट ये कैसे होते हैं वीक, ऐसा क्यों बोला वीक एसिड्स। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं ये कोई भी एसिड लेती हूँ HCl, अगर मान लीजिए मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl के लिए हैं, अगर इस एसिड को मैं वाटर में डिसॉल्व करती हूँ H2O में, तो ये क्या करेगा, सॉल्यूशन में जाके जो जितने भी इसके मॉलिक्यूल हैं तो वो सारे के सारे उनके जो आयन्स हैं वो टूट जाएंगे। देखिए इस तरीके से समझिए, हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl है, ठीक है, तो सॉल्यूशन में जाके जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए पूरी तरीके से, कि 10
हाइड्रोजन आयन फॉर्म कर ली एंड 10 ही क्लोरीन आयन, तो मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए उसका, पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए, तो वो होता है स्ट्रोंग एसिड। ठीक है, सो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं क्योंकि उनका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता, कि मतलब उसमें सारे के सारे जितने भी, जैसे हमने जितने भी मॉलिक्यूल इसके लिए जितने भी मोल लिए तो पूरी तरीके से उतने ही हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से उनके जो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, ये सोल्यूशन है, इसके अंदर ये आयन्स हैं, तो ये जो आयन्स होंगे तो हम बोल सकते हैं उस सोल्यूशन में सारे के सारे आयन्स ही नहीं मिलेंगे, तो कुछ उनमें मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे जिसके हमने मॉलिक्यूल लिए हैं, जैसे कि हमारे पास ये एसिटिक एसिड है C3COOH, जब हमने इसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया, एक सोल्यूशन बनाया, तो सोल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो CH3COO नेगेटिव, ठीक है, ये मिलेगा, तो ये एक क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल्स भी हो गए, ठीक है, इसलिए जितने भी हाइड्रोजन आयन है उनको कम्प्लीटली उनको डिसोसिएट नहीं किया, उनको नहीं तोड़ा, आयोनाइज नहीं हुआ, एंड एच प्लस, तो इस तरीके से जुटेगा मॉलिक्यूल एंड आयन्स, ठीक है, तो इस तरीके से इसका डिसोसिएशन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स इसके लिए थे, तो इसमें 70% तो मॉलिक्यूल्स रहेंगे एंड क्या होगा 30% अबाउट क्या होंगे इसके अंदर आयन्स होंगे, तो जो आयन्स कम है इसका मतलब जो एसिड है वो बहुत ही वीक है, ठीक है, इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, अगर हमने 10 मॉलिक्यूल लिए, अगर 100 मॉलिक्यूल लेते हैं तो पूरे के पूरे ही ये आयन्स बन जाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन में सारे के सारे आयन्स आ जाते हैं, तो ये होता है। सो अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो आप हेडिंग डाल लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं एसिड्स की, तो देखिए आपकी जो बुक है उसमें एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को साथ साथ दिया गया है, लेकिन जब हम बेस वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उसके साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगी, ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एसिड्स के देखते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि किसके साथ रिएक्शन देते हैं, तो जो एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, ठीक है, जो मेटल्स होती हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब जो मेटल्स होती हैं वो देखिए, कोई भी हमने एसिड लिया तो एक्चुअल में क्या होगा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये फॉर्म करेगा। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं, चलिए जैसे कि हमने एसिड लिया HCl, ठीक है, एक ऐसा लिया हमने डाइल्यूट HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड इसको रिएक्ट कराया हमने जिंक से, तो इसने फॉर्म किया ZnCl2 जिंक क्लोराइड, साथ में नाम लिख लीजिए, एंड हाइड्रोजन गैस, साथ साथ आप इसको बैलेंस भी करते चलिए, ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन गया, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इसने दी। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड एंड जैसे कि कॉपर ले लिया, तो ये रिएक्ट करेगी और क्या फॉर्म करेगी, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, आप देख लेना ये हाइड्रोजन गैस बन गई। और भी एसिड ले सकते हैं, जैसे कि H2SO4 लिया हमने, एंड कोई भी जैसे कि हमने ले ली सोडियम नहीं मैग्नीशियम मेटल लिया, तो क्या बनाया MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्या है मैग्नीशियम सल्फेट, तो इस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं एंड क्या बना सॉल्ट, ये सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को ये फॉर्म करते हैं। और भी आप बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कि HCl सारे के सारे कैसे हैं, डाइल्यूट एसिड्स हैं, डाइल्यूट, ओके, HCl को मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, बहुत सारे आप एग्जांपल्स लेके इनको कर सकते हो, ठीक है,
तो मेनली क्या है, एसिड रिएक्ट करके मेटल्स के साथ क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए इनमें जो ये मेटल्स आप लेंगे तो आप इनका एक बार ध्यान रखिए कि ये वाला जो लेक्चर है, छोटा सा वीडियो है, आप इसको देख लीजिए, इसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपके बहुत काम आने वाली है। जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें भी काम आएगी। अभी भी आपकी बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि जो एसिड के साथ जो मेटल्स रिएक्ट कर रही हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर होनी चाहिए, उनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो वही जो मेटल्स होंगी वो रिएक्ट करेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो मेटल्स हैं यही रिएक्ट करेंगी किसके साथ, एसिड के साथ, एंड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। अब हम सेकेंड देखते हैं, सेकेंड रिएक्शन। अब देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड क्या है कि एसिड की रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब जो कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, CO3 2-। ठीक है, ये इससे ग्रुप जुड़ा होता है मेटल से। इसी तरीके से जो मेटल से हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब HCO3- ये जुड़ा होगा, तो ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, मेटल से जब ये जुड़ा हो तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड मेटल से अगर कार्बोनेट जुड़ा हो CO3 2- तो ये क्या हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट। राइट, तो इससे रिएक्ट करके क्या देगा, तो जो एसिड होगा वो रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से एंड फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये फॉर्म होगा, ये लिक्विड, ये एक्वस, तो ये फॉर्म होता है। एंड सेम इसी तरीके से होगा कि जो एसिड होगा वो रिएक्ट करेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, एंड सेम थिंग्स इसमें भी बनेंगी, कौन से, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बनेगी। ओके, तो चलिए हम इनकी रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल कार्बोनेट्स की। ओके, तो जो मेटल कार्बोनेट, जैसे हमने लिया एसिड लेते हैं HCl, डाइल्यूट एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ हमने लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, लिख लीजिए साथ साथ सोडियम कार्बोनेट, क्या फॉर्म होगा, NaCl। ठीक है, NaCl प्लस CO2, हम लिख लेते हैं H2O प्लस CO2 गैस। राइट, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया सॉल्ट बन गया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप इनको बैलेंस कर लीजिए अगर मैं नहीं भी कर पाती हूँ तो। ओके, इसी तरीके से जो HCl है, अगर हम यही रिएक्शन किसके साथ देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस Na2CO3 रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्या हो गया, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, ये भी डाइल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और भी ले सकते हैं, जैसे कि HCl डाइल्यूट हमने लिया, प्लस उसके साथ चलिए दूसरा एसिड ले लेते हैं, जैसे कि HNO3 डाइल्यूट प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, तो क्या फॉर्म हो गया, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि क्या है, सॉल्ट है। एंड इसने क्या बनाया, देखिए आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा,
Na2SO4 एंड ओके ऑलरेडी बैलेंस्ड है. देखिए यहाँ पे देखिए KNO3 क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट एंड प्लस वाटर प्लस CO2 गैस. ओके ये यहाँ पे फॉर्म होगा. और भी रिएक्शंस हम ले सकते हैं जैसे कि HCl प्लस MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये क्या फॉर्म हुआ MgCl2, ये एक सॉल्ट है मैग्नीशियम एंड इसकी रिएक्शन होगी MgCl2 प्लस वाटर प्लस CO2 गैस. तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करवा. अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो अगर हम इसका टेस्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे ये क्या करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको ये मिल्की बना देता है. ठीक है देखिए कैसे होता है, जैसे कि हमारे पास है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, नाम भी लिख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसके अंदर हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है. ठीक है इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या बनाएगा ये PPT बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा वाइट कलर के वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड बनेगा इसके साथ वाटर, मतलब ये वाटर के अंदर घुलेगा नहीं, सॉल्युबल नहीं होगा. अब अगर हम एक्सेस में ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोवाइड करते हैं दोबारा से इसमें पास करेंगे तो क्या होगा, ये जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो उससे इस क्या बनाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि वाटर सॉल्यूबल है. ठीक है जो कि वाटर में सॉल्यूबल होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, मिल्की उसका कलर व्हाइटिश हो जाता है. ओके अब हम रिएक्शंस देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ. हमने कार्बोनेट के साथ देख लिया, मैंने बोला सेम यही होगा, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. जैसे कि हमने लिया HCl, डाइल्यूट HCl ले लिया एंड NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम लिख लीजिएगा. तो ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट बनेगा, सीधी सी बात है NaCl बन जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस. ये क्या है लिक्विड, ये क्या है एक्वस सॉल्यूशन में है, AQ लिख लीजिए एंड ओके क्या फॉर्म हो गया, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरीके से हम और भी ले सकते हैं जैसे HCl, H2SO4 ले लेते हैं डाइल्यूट प्लस NaHCO3 या फिर हम ले लेते हैं KHCO3 पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या फॉर्म होगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ठीक है प्लस वाटर प्लस CO2 गैस. ओके ये फॉर्म होगा, तो आप साथ साथ बैलेंस करते चलिए. ठीक है ये फॉर्म हो गया. देखिए फॉर्मूलाज अगर आपको बनाना नहीं आते हैं, K2SO4 कैसे बना, NaCl कैसे बना, Na2Cl2 क्यों नहीं बना, तो अगर आपको फॉर्मूला सीखने हैं तो ये वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, आपकी बहुत हेल्प होगी. इसमें 30 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस मैंने कराई है, तो प्लीज़ आप इसको जरूर देखिए. और भी देखते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म करेगी, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट जो कि सॉल्ट है प्लस CO2 प्लस H2. ठीक है सेम वही प्रोसेस, तो आप इनको बैलेंस जरूर कर लीजिएगा. तो ये हो गई इस तरीके से इनकी रिएक्शन. हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी क्या फॉर्म करती है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके तो ये हो गई इनकी रिएक्शंस. अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड किसके साथ,
ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है। थर्ड वन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि Na2O, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स Na2O, K2O, MgO, ZnO, तो ये हो गई मेटल ऑक्साइड्स। इनके साथ एसिड रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म हो गया, डाइल्यूट एसिड होगा, क्या NaCl प्लस H2O, ओके, क्या फॉर्म हो गया NaCl प्लस H2O। एंड इसी तरीके से H2SO4 से हमने अगर कराई, यहाँ पे MgO से, सॉरी एक और बच गया, HCl से करवा देते हैं, तो क्या फॉर्म हुआ, KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O, ओके। जिंक ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा H2SO4, या फिर हम ले लेते हैं HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एंड क्या बनाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ओके, प्लस H2O, ये क्या हो गया, जिंक नाइट्रेट एंड H2O। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ केमिकल फॉर्मूलाज को याद करने के लिए, याद नहीं, समझने के लिए आप ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनके साथ एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको और समझेंगे जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी उसमें, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलिए। अब देखिए फोर्थ रिएक्शन हम देखते हैं कि अगर फोर्थ रिएक्शन, उसमें आप समझ गए, उसको लिख लेना, उसकी बेसिक रिएक्शन कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ, फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। एंड अगर मेटल जो एसिड्स हैं रिएक्ट विद रिएक्शंस ऑफ एसिड विद, इस तरीके से लिख लेते हैं, ऑफ एसिड विद बेस, ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करके वो क्या देते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी एसिड है, HCl है, हमने लिया कोई भी बेस जो कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस H2O, ओके। ये OH CH कंबाइन करेंगे, NaCl कंबाइन करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि एसिड, सबसे नीचे लिखेंगे, चलिए और भी एग्जांपल्स कर लेते हैं, एंड H2SO4 रिएक्ट करता है MgOH2, क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O, ठीक है, 2H2O, ये हो गया। इसी तरीके से H2CO3 कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करता है NaOH के साथ, क्या फॉर्म हुआ, या फिर KOH ले लीजिए, कोई भी एसिड ले लीजिए, KOH के साथ क्या फॉर्म हुआ, K2CO3 एंड H2O, ओके, क्या बन गया, ये तो इनको बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट रिएक्शन जैसे हम लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस NaOH, अगर हम ले रहे हैं, क्या फॉर्म हो गया, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो एसिड्स हैं बेस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करें, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर।
तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिया जाता है क्या है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड रिएक्ट विद बेस या फिर बेस रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. कि जो एसिड होता है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है एंड जो बेस होता है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है एंड फाइनली न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करता है एंड वाटर. तो ये जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट. तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, डेफिनेशन भी लिख लीजिए, ओके. एंड अब आप देखिए एक बात नोट कीजिए, जो मैंने अभी प्रीवियस जो हमने रिएक्शन देखी कि मेटल ऑक्साइड्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, सॉरी एसिड के साथ, एंड क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर. बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, आप समझने की कोशिश कीजिए. तो देखिए जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो आप क्या समझ सकते हैं? ये भी एक तरीके से न्यूट्रल रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है. तो हम बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मैं ऐसे साफ कर देती हूँ, कि मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर, ठीक है. वो बेसिक नेचर के होते हैं, हम उनको बेस बुला सकते हैं क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? सॉल्ट एंड वाटर. कि वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसी तरीके से बेस जो है उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं. तो मेटल ऑक्साइड जैसे कि हमने अभी बोला था Na2O, K2O, एंड मेटल हाइड्रोक्साइड KOH, NaOH, ठीक है, MgOH2. तो ये जो होते हैं कैसे? बेसिक इन नेचर होते हैं, एंड ये हम इनको क्या बुला सकते हैं? एल्कली. ये हम आगे अभी पढ़ेंगे. देखिए एल्कली क्या होते हैं? जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं. तो ये सारे के सारे वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे तो इनको हम एल्कली बुलाते हैं, ओके. तो आप इन बातों को नोट कर लीजिए, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं. अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? फिफ्थ या सिक्स जो भी है. सो एसिड रिएक्शन विद किसके साथ? वाटर के साथ. जो एसिड है वो वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है? तो ये तो हमने शुरू में पढ़ ली है. देखिए कोई भी एसिड, जैसे हमने HCl लिया, ठीक है. अब देखिए इनको हम बोलते हैं, स्पेशल नाम देते हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो इसी तरीके से होती है डाइल्यूशन. डाइल्यूशन क्या होता है? अब डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन वो होता है जब एसिड को या फिर बेस को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की पर यूनिट वॉल्यूम में वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो सोल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, ठीक है. एंड ये जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे डाइल्यूशन. देखिए एसिड एंड बेसिस दोनों के लिए कॉमन है. अगर हम वाटर के साथ एसिड को मिक्स करें तो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, या फिर हम बेस को वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा? OH- आयन, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूशन. जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलेंगे डाइल्यूशन. एंड जो सोल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे डाइल्यूटेड सोल्यूशन, राइट. तो अगर वो बेस है तो हम बोलेंगे डाइल्यूटेड बेस, या फिर कोई एसिड उसके अंदर मिक्स किया है वाटर के अंदर तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है. अब देखिए एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमने ये वाटर लिया, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? किसी भी ड्रॉपर की हेल्प से, किसी भी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर एसिड को पोर करेंगे, ठीक है. एसिड को इसके अंदर हम पोर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे. ये वाटर है, डाइल्यूशन का प्रोसेस ऐसे ही होता है कि जब वाटर के अंदर हम एसिड को पोर करते हैं,
क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि इसमें हम एसिड लें और इस तरीके से हम वाटर को डालें, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब एसिड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो एक बहुत ही हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने का मतलब है कि उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। एंड अगर आप इसमें आप एसिड लेंगे और वाटर को ऊपर से आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो जो एसिड है वो इतनी हम बोल सकते विग्रस रिएक्शन होगी कि जो पूरा का पूरा एसिड है वो ही स्प्लैश आउट हो जाएगा एंड उसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, डाइल्यूशन के प्रोसेस में पहले वाटर लिया जाता है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर लिया जाता है एंड कुछ अमाउंट में हम उसमें एसिड की जो ड्रॉप्स हैं वो उसके अंदर ऐड करते हैं एंड कंटिन्यूसली इसको स्टार करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है। तो चलिए अब मेन बात करते हैं कि डाइल्यूशन में क्या होता है। एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, देखिए जैसे हमने HCl लिया, ये वाटर के साथ हमने मिक्स किया तो ये क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन्स देता है, ठीक है। फिर हमने बोला कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कंबाइन करते हैं वाटर के साथ एंड हाइड्रोनियम आयन्स फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये इनका डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, ओके। एंड अगर हम बेस की बात करें तो बेस में भी ऐसे होता है, लेकिन बेस में हम जब बेस वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो आज आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, थोड़ा सा बेसिस के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जैसा कि हमने इसमें किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।